ये है हमारा घर और ये है हमारी फैमिली, ये है मेरे ताऊ जी की फैमिली और ये है मेरे कुवारे चाचा जी जिनका लाख कोशिशों के बाद भी रिश्ता ही नहीं हो रहा, और ये है मेरी पूरी जॉइंट फैमिली और इसमें आ चुकी है अब दरार और यहाँ चल रहा है बंटवारा। बाकी सब बट चुका है, अब बचा है ये घर। वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि ये घर किसके हिस्से में जाता है। पापा कुछ भी हो जाए ये घर तो हम ही रखेंगे। yes! पापा चाहे कुछ भी हो जाए ये घर तो हम ही को मिलना चाहिए। अरे बेटा तू चिंता ना कर, घर का बड़ा बेटा हूँ, ये घर तो हमें ही मिलेगा। बड़ा तो क्या हुआ, मैं भी माँ का लाडला हूँ, ये घर तो मैं लूंगा। अरे लाडला होने से क्या होता है, इतना बड़ा घर संभालने के लिए अक्कल भी तो होनी चाहिए। तुम्हारी बीवी के दिमाग में तो गोबर भरा पड़ा है, गोबर। इतना बड़ा घर कैसे संभालेगी? हाँ सारी अक्कल तो भगवान ने आपको ही दे दी है, तभी तो घर संभल रहा है। घर छोड़ो अपने बच्चों को देख लो पहले, पूरे दिन भर लड़ते रहते हैं दोनों। लड़ते तो क्या हुआ, मेरे दोनों बेटे आईएएस बनेंगे, आईएएस। बड़े आईएएस बनेंगे। मेरे बच्चे को देखो फूल से कभी आपस में नहीं लड़ते। ओए तूने मेरे थप्पड़ कैसे मारा? कैसे मारा? अब तू गई। तमीज़ चुप हो जाओ, हमेशा मेरी नाक कटवाते रहते हैं, अभी मेरी नाक कटवा दी। नाक कटने के बाद भी इतनी लंबी? और मेरा हिस्सा? अरे छोटे तू इससे क्या करेगा, तेरी ना मैं शादी करवा दूंगा। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। हाँ भाई ठीक कह रहे हो, कह रही हो दंडन लगे रहो। देखो बेटा मैं तो चाहती हूँ तुम लोग सब अपने मतभेद भूलकर इसी घर में शांति से रहो मिलजुल कर। नहीं तो मुझे ये समझाओ मैं इस घर का बंटवारा कैसे करूं, मेरे लिए तुम सब बराबर हो, सब मुझे बहुत प्यारे हो। दादी इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है, अरे सीधी सी बात है, घर हमें दे दो। क्यों तुम्हें क्यों दे दो, तुम कहीं के प्रधानमंत्री हो गए तो तुमको दे दो, ये घर तो हमें ही मिलेगा। क्यों पापा? अच्छा तुम्हें क्यों दे दे, तू कितने का डिप्टी लाग रहा है, हमें दो दादी घर। अरे ओ चबूतरे से मुंह के ऐसा थप्पड़ मारूंगा ना सीधा बाहर जाएगा यहाँ से। अबे ओ रैप्टे में रीट आओगा? हाँ फिर वही रीट तेरे को चटा दूंगा। चुप। दादी मेरे दिमाग में एक आइडिया, मैंने ना एक मूवी में देखा था कि क्रिकेट मैच खेल के सारे फैसले हो जाते हैं, तो हम भी एक काम करते हैं क्रिकेट का मैच रख लेते हैं, जो जीता घर उसका। अरे नहीं भाई एक काम करते ना पबजी का मैच रखते हैं, इन सबको तो मैं अकेला देख लूंगा। ये सही कह रहा है, क्रिकेट का मैच रखते हैं और फिर देखेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ और वैसे भी ये तो पहले से ही तय है ना, जीतना हमने है। हाँ क्योंकि हम ज्यादा अच्छा खेलते हैं। हाँ। वैसे भी इनको खेलना का आता है, बचपन में भी तो मैच जीतता था। ठीक है तो हो गया फैसला, अब तो क्रिकेट मैच ही होगा, देख लेंगे कौन है शूरवीर और कौन है छछुंदर। देखो बच्चों मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम लोग मिलजुल कर इस बात का यही निपटारा कर दो, लेकिन अगर तुम लोगों ने जिद पकड़ रखी है कि घर का बंटवारा करना ही करना है तो ठीक है कल मैच रख लो, देखते हैं क्या होता है। चांद सी दुल्हन जमी पे। अभी भी मौका है, हार मान लो। सेम टू यू। अबे ओ तेरे इतने रैप्टे दूंगा ना मैं। क्यों मैंने चूड़ियां पहन रखी है, मैं नहीं बता सकता रैप्टे।
हाँ पहन रखी है तूने चूड़ियाँ। मैंने चूड़ियाँ पहन रखी है साले खंबे जितने आदमी तेरे कपड़े सुखाता हूँ मैं। अबे चल चल पहले टॉस होगा करा लो टॉस। हाँ तो कैसी है हेड या टेल? टेल। हाँ भाई हम हेड लेंगे। अबे कमीने हेड ही बच के हेड ही लेना पड़ेगा। ओए माँ। पाँक। कॉन्ग्रेचुलेशन। यस नहीं और अबे पूरी बात तो सुन लो तुम टॉस हार गए हो। टॉस हार गए हो मैच भी हारोगे। बैटिंग लेंगे बैटिंग। ये क्या फर्क पड़ता है अगर हम टॉस जीतते भी तो अभी हमें बॉलिंग ही लेनी थी। हार गए तो इसीलिए कह रहे हैं। राइट राइट एकदम राइट। देखा पापा आपके बेटे की आवाज अंपायर भी हाथ मिला ले आया है। अब कमीने बोल देने आया हूं तेरी बॉलिंग आ गई। पैसे नहीं दूंगा सर। मैच स्टार्ट हो गया उठो। मैच स्टार्ट हो गया। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर फुटबॉल का मैच स्टार्ट होते हुए क्रिकेट का है। तो दोस्तों यहाँ पर हॉकी का मैच स्टार्ट होते हुए क्रिकेट का है। क्रिकेट का ये क्या होता है? अरे सर बैट बॉल। दोस्तों यहाँ पर बैट बॉल का मैच स्टार्ट होते हुए और अरे हाँ आशीर्वाद लेना तो मैं भूल ही गया। आशीर्वाद ले लेता हूँ पहले फिर उड़ाऊंगा इन सब की गुल्लियाँ। अरे पापा बॉलिंग तो मैं ही कराऊंगा बॉल लेके कहाँ जा रहे हो? और मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। विजय भवा बेटा तुझे मेरी मूछ के एक एक बाल की सौगंध है। हिम्मत मत हारियो। पापा आप चिंता मत करो घर तो हमारा ही होगा। यस हमारी टीम जीतेगी। अरे हाँ एक काम करता हूँ दादी का भी आशीर्वाद ले लेता हूँ। इन सब ने तो लिया नहीं है आशीर्वाद से हमारी टीम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और फिर हम ही जीतेंगे। yes! ये सही है चुपचाप से चला जाता हूँ। अरे बेटा दादी दादी हाँ? पाए लागू जीते रहो बेटा। दादी मुझे आशीर्वाद दो ना कि हम मैच जीत जाएं। बेटा दादी का आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। अच्छा दादी तो अभी मैं मैच जीत के आता हूँ फिर घर चलेंगे। ठीक है ठीक है। पलो 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 पलो
कौन सी मामा कौन आउट? अरे सर येलो टीम का कैप्टन आउट है। आउट 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 आउट। अरे ये तो आउट हो गया। अगर ये आउट हो गया तो टीम में रन कौन बनाएगा? अगर रन नहीं बनाएगा तो हम हार जाएंगे, और अगर हार गए तो मकान भी हाथ से चला जाएगा। क्या करूं? परी अंपायर उंगली उठाते हुए, देख छोटे तू मेरा भाई है ना, मैं तेरे फायदे के लिए सोचता हूँ। मैं तेरी ना शादी करवा दूंगा कटरीना कैफ से। अरे भाई क्यों झूठ बोल रहा है, कटरीना कैफ से शादी होगी विकी कौशल से? ओए मां। अरे तो कोई बात नहीं, और हीरोइन से शादी करवा दूंगा, और एक नहीं दो दो शादी करवा दूंगा तेरी। और एक रखियो घर वाली और एक रखियो बाहर वाली। खूब मौज लियो मेरे भाई, इसको नॉट आउट दे दे। अरे वाह भाई वाह, एक घर वाली एक बाहर वाली, एक से कपड़े धुलवाया करूंगा और एक को घुमाने लेके जाया करूंगा। ओके डन डन डन। ये क्या, उन्होंने उंगली अपने नाक में दे दी? छी 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 छी। नॉट आउट, इसका मतलब मैं अभी और खेलूंगा। यस यस यस। चलो बोलो जरा। अरे मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अरे मैडम आउट देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट नाक में कुछ नहीं करना। अरे फीलिंग को समझो ना एम्पायर की। मेरी भी फीलिंग को समझो ला। अरे मैंने इसको अभी तो आउट किया है। आउट है? नहीं नहीं, एम्पायर ने बोल दिया नॉट आउट तो नॉट आउट। अबे आउट है तू? अबे नॉट आउट हूँ। अबे आउट है नॉट आउट। आउट नॉट आउट 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 नॉट आउट। हाँ नॉट आउट। चल भाई फेंक बॉल। चौका चौका मार दिया, 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 चौका मार दिया। अबे ओ छक्का है। नहीं नहीं चौका है देख। अबे तू छक्का है। तू कर दे धमाका, चल आज मचा दे दंगा, तेरे आगे टिक पाए ना। पापा ये आउट ही नहीं हो रहा, अगर ऐसे ही चलता रहा ना अपने हाथ से घर गया और फिर रहना पड़ेगा झोपड़े पट्टी में। अब देख लो आप क्या कर सकते हो। बेटा चिंता ना कर, ओल्ड इज गोल्ड, इसका किला मैं उड़ाऊंगा, और कसम है तेरे प्यार की तीनों किले उड़ाऊंगा इसके। ठीक है पापा चलो। अरे कमल क्या है? मेरे साथ एक डील करेगी? कैसी डील? देख अगर तू पहली बॉल पे आउट हुई तो तेरे को 20 पैकेट चिप्स के लाके दूंगा, आराम से खाइयो। पक्का? हाँ पक्का। तुम भी ठीक है? डन पक्का डन पक्का डन। पापा मामला सेट है, पहली गेंद पे गिल्लियां उड़ा देना। पक्का? पक्का। अरे
मैंने छक्का मारा। लकी शॉट था बस, नथिंग एल्स। छेड़ते हैं मेरे से। क्या घंटा सेटिंग करी थी? तो छक्का मार की पहले बॉल पे ही मरवा देंगे ऐसे तो सारे ये। पापा मेरे को नहीं पता था, मैं तो डील करके आया था। दोबारा समझा क्या? अबे छक्का मारने की तो बात ही नहीं हुई थी, आउट होने की डील हुई थी। तेरे को 20 टिप्स के पैकेट नहीं चाहिए क्या? ओ हेलो, मेरी बात ना ध्यान से सुन। देर से पहले ना मेरी शिवम से बात हो गई थी 40 पैकेट चिप्स की, तो अपने 20 पैकेट चिप्स के खुद ही खा लियो, ठीक है? यो बेटा, मुझसे तो चल रहा था। तो फर्स्ट इनिंग की समाप्ति होते हुए और येलो टीम का स्कोर है 99 पर 2 विकेट्स। क्या रेड टीम 100 रन बना पाएंगी? जब तक आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिस तरह से हमने लंबू आटा की मौत फिक्स की थी, उसी तरह से इसकी भी डेट फिक्स करेंगे। ए, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, पहले विटामिन जेड लूंगा। विटामिन जेड? विटामिन जेड? विटामिन जेड? विटामिन जेड? विटामिन जेड? विटामिन जेड? अरे भाई ये क्या होता है, मैंने भी नहीं कभी सुना। जगायो तन दुम्मा मारे पाछ चल रही हो, दिमाग टना टन हो रही, छन छना छन मेरे लाग रही तलब, बंदी कोठड़े में बनाएगा क्लब। अक्षर मीच कर ओठन बीच कयो दम मरे खींच के, तो भीतर में लग गया। हे भगवान, ये बीड़ी बाजी साने यहाँ भी बीड़ी लगा ली। अरे बाप रे, बीड़ी अरे भैया, पापा की ना बीड़ी पीने की आदत जाएगी नहीं कभी। बहुत परेशान कर रहा है किस लड़के ने। चलो कोई नहीं, हमें तो रन चाहिए, स्कोर बनना चाहिए ना अपना। कुछ भी लो, विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो मर्जी लो, लेते रहो। खादी शरीर की नब्ज सारी सुती, जय बाबा की जिसने बनाई अब बूती। भाग भाग भाग, तो मोटी भाग। अरे अरे तू, अरे मैं किससे भागूं? अरे तू कहीं भी भाग, आउट हो जाएगी मोटी। आउट नहीं होएगा, घोड़े की तरह दौड़ेगा। बैठ बैठ बैठ। अच्छा मम्मी खिलाओ।
देखा, मैं अपने बेटे को चने खिला के आई थी। हाँ, चनों का कमाल है ये। ओ, मान गए तेरे चनों का कमाल। और यहाँ रेड टीम का स्कोर है 98, एक विकेट के नुकसान पर। और अब इन्हें चाहिए एक बॉल पर 2 रन। तो यहाँ पर बैटिंग करते हुए सुमित और दूसरी तरफ हाथ में गेंद लिए हुए शिवम, क्या सुमित 2 रन बना पाएंगे या शिवम 2 रन बचा पाएंगे? दादी, दादी क्या हुआ आपको? दादी, दादी क्या हो गया आपको? दादी, क्या हुआ दादी को उठाओ। अरे क्या हुआ मेरी माँ को? अरे मेरी तो शादी भी नहीं हुई है और मेरे लिए रोटी कौन बनाएगा? अबे चाचा जी, आपको अभी भी खाने की पड़ी है, एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी। जल्दी बुला, जल्दी। दादी उठो, दादी उठो ना, दादी उठो ना, दादी कुछ तो बोलो। रुको, दादी को होश आ रहा है। दादी, हाँ। क्या हो गया था दादी आपको? बीपी हाई बेटा। लेकिन क्यों माँ जी? टेंशन बेटा, टेंशन। माँ किस बात की टेंशन है माँ आपको? ये तुम लोग जो अलग होने की बात कर रहे हो ना, उसकी टेंशन। अरे माँ जी आप छोड़ दो ये टेंशन, हम नहीं होंगे अलग, आपके साथ ही रहेंगे। हाँ मम्मी, आपसे प्यारा हमें और क्या है, अगर आप चाहते हो कि हम आपके साथ रहें तो हम सब साथ ही रहेंगे। क्यों दीदी? हाँ पक्का आपके साथ रहेंगे। ठीक है, अगर तुम लोग वादा करते हो कि फिर से अलग होने की बात नहीं करोगे तो फिर मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, हम वादा करते हैं, हम साथ में रहेंगे सारे। हाँ दादी, हाँ। चलो भाई, अगर हम सबको साथ ही रहना है तो एक क्रिकेट मैच किस बात का? चलते हैं अपने प्यारे से घर। हाँ सही कह रहा भाई, चलो सब घर चलते हैं। चलो चलो, तुम लोग चलो, मैं अभी सुमित के साथ थोड़ी देर में आती हूँ। क्यों मम्मी? हाँ हाँ, मैं लेके आता हूँ दादी को। हाँ। मम्मी का ख्याल रखना सुमित। ठीक है ठीक है। कैसी रही बेटा मेरी एक्टिंग? एक नंबर दादी, मजा आ गया एक्टिंग देख के। दादी। हाँ बेटा। आप थोड़े परेशान लग रहे हो। थोड़ा परेशान? थोड़ा नहीं बेटा, बहुत परेशान हूँ। और परेशान क्यों ना हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग मिलजुल कर एक छत के नीचे प्यार मोहब्बत से रहो और इस घर का बंटवारे के लिए कोई जिद ना करे, जबकि मेरे बच्चे जिद पेड़े हुए हैं घर का बंटवारा करने के लिए। दादी बात तो आप सही कह रहे हो, मजा तो मिलकर रहने में ही है। हाँ पर दादी आप चिंता मत करो, आपके इस पोते के पास एक जबरदस्त प्लान है। सच में? कान में बताओ तो जरा। दादी कल होगा मैच। हाँ। मैच के एंड मोमेंट पर बस आप बेहोश होने की एक्टिंग करना, बाकी सब आपका ये पोता संभाल लेगा। ये प्लान काम करेगा सच में? अरे दादी दादी मैंने कहा था ना करेगा मेरा प्लान काम। काम कर गया। Yeah! असली मजा तो दादी मिलके रहने में है। yes! इसीलिए हम सबका यही कहना है कि संयुक्त परिवार सुखी परिवार। कुछ भी हो जाए, कितनी भी तकलीफें आए, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का हाथ बांटे और सुखी रहें। हाँ तो दादी अब तो नहीं हो रहा आपका BPI? BPI हो मेरे दुश्मनों का। सारी दुनिया में डीमन लागे दादा दादी, सारी दुनिया ते प्यारे मन लागे दादा दादी।